हे दोस्तों, आज मौसम कितना अच्छा है ना। एक मिनट रुको, मैं हिल रहा हूँ या ये जमीन हिल रही है? ओ, संभल कर, लैंडस्लाइड हो रहा है। तो मैं तुमको बताने वाला हूँ इस नेचुरल डिजास्टर के बारे में। ज़ूम इन। जब सॉइल का अपर मास लोअर लेयर से अलग हो जाता है और नीचे की तरफ जाता है, तब उसे कहा जाता है लैंडस्लाइड। साथ ही इसे हम कहते हैं लैंडस्लिप या फिर मडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। ये हो सकते हैं कुदरती कारणों की वजह से, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस, सॉइल इरोजन, या कभी कभी भारी बारिश भी लैंडस्लाइड्स होने का खतरा बढ़ा देती है। कुछ इंसानी गतिविधियां जैसे कि खनन, पेड़ों की कटाई, जमीन की फ्रेजिलिटी को बढ़ा देती हैं और इस तरह लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है। एक और बहुत प्रचलित कारण है, जो है ग्रेविटी। यानी जो भी ऊपर है उसे नीचे गिरना ही होगा ग्रेविटी की वजह से, है ना। लैंडस्लाइड्स या तो बहुत धीमे हो सकते हैं, जैसे कि हर साल कुछ मिलीमीटर्स, या फिर बहुत ही विनाशकारी तेज रफ्तार से, जो हो सकती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर आप समतल जमीन पर रहते हैं जहां पहाड़ आदि नहीं है, तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ों और पहाड़ी इलाके के बीच कहीं रहते हैं, तो मेरे दोस्त, आपके लिए खतरा है। पर चिंता मत कीजिए, आप बड़ी आसानी से बचाव की तैयारी कर सकते हैं। ऐसी जगह मकान ना बनाएं जहां तीखी ढलान हो, या फिर जहां पहाड़ का किनारा हो। ड्रेनेज पाथ से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि पानी का बहाव लैंडस्लाइड्स की रफ्तार बढ़ा देता है। दोस्तों, लैंडस्लाइड्स सिर्फ जमीन पर ही नहीं होते। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहों जैसे कि मर्क्यूरी, मार्स और वीनस पर भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। ओ, ऐसा लगता है दोस्तों, मैं यहां भी सुरक्षित नहीं हूं। ट्रिविया टाइम। लैंडस्लाइड्स पानी के अंदर भी हो सकते हैं और उन्हें कहते हैं सबमरीन लैंडस्लाइड्स। हार्ट माउंटेन लैंडस्लाइड अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड लैंडस्लाइड है, जो कि हुआ था 50 मिलियन साल पहले। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट।